गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। नौवें प्रश्न के अंतर्गत विशेषण शब्दों को पहचानना है और उसके भेद। अब विशेषण के विभिन्न प्रकार हो सकते हैं। विशेषण के चार भेद आपने पढ़े विद्यार्थी। पहला है गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्थक। यह आपके विशेषण। तो दिए गए वाक्यों में विशेषण शब्दों को रेखांकित करना। रेखांकित करना अंडरलाइन। आप जिसको रेखांकित करेंगे उसका भेद और उसके भेद लिखना है। उसके भेद को आपको लिखना है। भेद जो है वो चार हैं। उस रूप में आपको देखना है। पहला वाक्य हम पढ़ते हैं विद्यार्थी। यह बहुत चालाक है। यह बहुत चालाक है। यह इसके अंदर बहुत चालाक। इसमें दो विशेषण है। बहुत भी है, चालाक एक का विशेषण है और ये चालाक जो है मुख्य विशेषण है। ये कौन सा होगा विद्यार्थी? गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण कौन सा होगा? गुणवाचक विशेषण। दूसरा, यह पुस्तक बहुत अच्छी है। तो यह पुस्तक बहुत अच्छी है। तो यहां पे देखिए दो है, यह भी है और बहुत अच्छी है। तो दो होंगे। यह जो हो जाएगा वो क्या रहेगा? सार्वनाम। और बहुत अच्छी है वो हो जाएगा गुणवाचक। विशेष काली गाय को बांध कर रखिए। गाय यहां संज्ञा शब्द है, इसके नीचे आ जाएगा ये काली। काली क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेष संक्षेप। उसकी कमीज का रंग सफेद है। आपने अगर यहां सफेद के नीचे अंडरलाइन किया तो क्या हो जाएगा? गुणवाचक। विशेष अगर उसकी के नीचे किया तो ये हो जाएगा सार्वनाम। जगह नहीं, वहां मोहन का घर सबसे बड़ा है। यह भी जो है सबसे बड़ा घर की विशेषता होता है। यह भी होगा गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण। उस व्यक्ति को यहां बुलाओ। यहां देखिए उस संदर्भ व्यक्ति के लिए है। यहां पर उस ये हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण। इतिहास के छात्र ऐतिहासिक। ये हो जाएगा आपका विशेषण शब्द। यह हो जाएगा आपका गुणवाचक। थोड़ा नमकीन और कुछ मिठाई, ये दोनों ही है। अब नमकीन और मिठाई को हम गिनते चलते तौल कर ले लाएंगे। ये क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक विशेषण। विशेषण। तो इस प्रकार आप विद्यार्थी विशेषण शब्दों को आप पहचानें। अब इसके नीचे का जो प्रश्न है वो एमसीक्यू के रूप में दिया गया, उसकी हम मौखिक चर्चा करते हैं कि सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाए। विशेषण उन शब्दों को कहते हैं। इसको कहते हैं संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द। तो पहले का जो होगा वह होगा तो। दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो इसके अंदर कौन सा शब्द विशेषण, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? उसमें सब देखिए, मित्रता, यौवन, चतुराई और दुष्ट। तो तीन जो है वो भाववाचक है। तो जो लास्ट है, दूसरे का लास्ट जो है वो दुष्ट व्यक्ति।
ठीक है। तीसरा है विशेषणों की विशेषता बताने वाले शब्द को हम विप्रव विशेषण कहते हैं। तीसरे का जो होगा वो प्रविशेषण कहते हैं। कमरे में चार कुर्सियां रखी हैं, इन वाक्यों में रेखांकित विशेषण का भेद चार के नीचे रेखांकित किया गया तो वह क्या हो जाएगा, निश्चित संख्या वाचक। तो चौथे का जो उत्तर होगा वह हो जाएगा निश्चित संख्या वाचक विशेषण। वह लड़का मेरा भाई है, वाक में वह किसका भेद हो जाएगा तो सार्वनामिक विशेषण। तो पांचवे का जो हो जाएगा वो हो जाएगा। तो इस प्रकार विद्यार्थी इसमें हमने देखा सर्वनाम के सभी प्रश्नों की चर्चा मौखिक और लिखित रूप में की गई। आप पाठ्यपुस्तकों पर अपने वीडियो को देखते हुए अपने अभ्यास कार्य को पूरा करेंगे। धन्यवाद।